अध्यक्ष को लेकर जो है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। जी अगर गांधी नेहरू परिवार के अलावा कोई दूसरा कार्यकारी अध्यक्ष या अध्यक्ष बनता है तो आपको लगता है कि वो सब मैनेज कर लेगा पार्टी को? देखिए बहुत समय से कांग्रेस पर जो पार्टी के लोग हैं वो डिपेंडेंट हैं गांधी परिवार पे, बहुत लंबा समय है। और देखिए जो दूसरी बात है कि डिपेंडेंस के बावजूद भी जब पार्टी अच्छा परफॉर्म करती है, आप चुनाव जीतते हैं तो सारे सवाल नहीं उठते हैं, दब जाते हैं। लेकिन जब भी पार्टी परफॉर्म नहीं करती तो ऐसे सवाल उठना लाजमी है। तो दोबारा, एक बार नहीं दोबारा आप लीडर ऑफ अपोजिशन का पोस्ट खोने जा रहे हैं, एक बार 44 दूसरी बार 52, तो बहुत चिंता का विषय है कि गांधी परिवार के पास पार्टी होने के बावजूद पार्टी ऐसा परफॉर्म क्यों कर रही है। बहुत लोग नहीं बोल पा रहे हैं, बहुत लोग धीरे धीरे स्वर में बोल रहे हैं, ये सवाल उठना है। और जब भी वंशवाद की बात होती है कि बीजेपी लगातार वंशवाद की उठा रही है, तो क्वेश्चन उठेगा कि वंशवाद के चलते अगर आप पार्टी परफॉर्म नहीं कर पा रही, लूज कर रही है, तो फिर ऐसा क्यों, दूसरा क्यों नहीं बन, क्या क्या कांग्रेस के पास ऐसे लोग कमी है, ऐसे प्रतिभाओं कमी है, ये सवाल उठना शुरू हो गया है। अब जब तक आप किसी को मौका नहीं देंगे तो कैसे पता चलेगा वह सामंजस्य बना पाएगा, पार्टी को लीड कर पाएगा नहीं कर पाएगा। पहले भी जब सीताराम केसरी अध्यक्ष रहे हैं, दूसरे लोग भी अध्यक्ष रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई दूसरा लोग कोई दूसरा आदमी आता है और अध्यक्ष बनता तो पार्टी को लीड नहीं कर पाएगा, प्रोवाइडेड सबका सपोर्ट उसको मिले और गांधी परिवार का सपोर्ट उसको मिलता रहे। बीजेपी में तो अध्यक्ष पद को लेकर कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर अमित शाह को मंत्रिमंडल में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलती है तो फिर उनकी जगह पर कौन होगा? अभी जो परिस्थितियाँ हैं वो जाहिर है कि नितिन गडकरी का नाम आ सकता है, क्योंकि एक मुलाकात हुई थी संघ के लोगों से, जो भैया जोशी से मुलाकात हुई थी नागपुर में, तो इंडिकेशन मिला था कि अगर हंग पार्लियामेंट आता, हो सकता है हंग पार्लियामेंट के बाद उनको, नितिन गडकरी को आपको पीएम पद के लिए उनको पुश किया जाए, या अगर पूरा आपका आता है मेजॉरिटी आती, हो सकता है नितिन गडकरी को अध्यक्ष पद के लिए लिया जाए। लेकिन और भी नाम जैसे राजनाथ सिंह हैं, और भी ऐसे नाम हैं जो कि अमित शाह की जगह ले सकते हैं, लेकिन अमित शाह की अपनी कार्यकुशलता है, अपना मैनेजमेंट है, और लगता है किसी दूसरे को उन तक पहुंचने के लिए बहुत समय लगाना पड़ेगा। फिलहाल तो कोई चिंता बात इससे नहीं है, अगला जो चुनाव होगा वह 2024 में होगा। गहलोत साहब से नाराज हैं, कमलनाथ जी से नाराज हैं, चिदम्बरम से नाराज हैं, कर्नाटक की सरकार संकट में है, जी क्या लग रहा है राज्यों की स्थिति ठीक नहीं है क्या? देखिए दो चीज़ें हैं, जो चीज़ें छन के आई हैं पार्टी से वह यह है कि राहुल गांधी गहलोत से, चिदम्बरम से और कमलनाथ से नाराज है, क्योंकि इन्होंने बेटों के टिकट के लिए पुश किया। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है, जब ये बात आप बोलते हैं तब खुद सोचना पड़ेगा, आप खुद किसी एक वंशवाद से आ रहे हैं तो इसलिए वो बात जमती नहीं। दूसरी बात है कि अगर मान लीजिए कमलनाथ के बेटे को टिकट नहीं मिलता, ऐसे कांग्रेस के लोगों का बोलना है, तो शायद जो 52 है उससे घट कर क्या होना जाता, वो डिफरेंट। दूसरी जो बात आप पूछ रहे हैं ये है कि जो संकट है, तो जाहिर जहाँ थिन मेजॉरिटी है, जहाँ थिन मेजॉरिटी है, जो MP की बात है 114 है तो 2 का हमेशा कमी रहेगा, तो जहाँ थिन मेजॉरिटी है, चूंकि ये माना जा रहा था जब भी बीजेपी मेजॉरिटी में आएगी तो ऐसे स्टेट पे निगाह जरूर डालेगी जहाँ पे वो सरकार बना सकती है, ऐसे में जो चिंता की बात होनी चाहिए कांग्रेस के लिए कि अमित शाह या नरेंद्र मोदी क्या सोचते हैं गवर्नमेंट के बारे में, जो लगातार चर्चाएँ चल भी रही हैं, बहुत से MLA से बोले उनको बीजेपी संपर्क कर रही है, उनसे उनको ऑफर दे रही है। फिलहाल तो MP में जो लगता है ज़्यादा संकट है बनिस्बत राजस्थान या छत्तीसगढ़ के। एक आखिरी सवाल है कि यूपी में जिस तरीके से बीजेपी को बढ़त मिली है, जी, काफी अच्छी वोटिंग हुई है, जी, तो क्या लग रहा है क्या वंश वो जातिवाद के जो समीकरण थे, यादव हैं, दलित हैं, SC ST है या OBC है या मुस्लिम है, वो सब क्या बीजेपी की तरफ पलट गए इस बार? यह बहुत ही शुभ संकेत है अगर ऐसा होता है तो, लेकिन यूपी के जो मैं जानता हूँ या बिहार को कास्ट पॉलिटिक्स खत्म नहीं हो सकती, नंबर 1। लेकिन मेरी बात मैं उसको आगे बढ़ाना चाहूँगा, देखिए जब भी राष्ट्रवाद का मुद्दा आएगा, देश का मुद्दा आएगा, एक लीडर का मुद्दा आएगा जो फर्म लीडर हो, ऐसे में जातिवाद किनारे हो जाता है। और मुझे लगता है कि अच्छा समय है, जो एक अच्छा प्रयोग है जो यूपी में हुआ है, बिहार में हुआ है, कि जातिवाद को एक दफन करने का समय है जिससे यूपी या बिहार का विकास हो पाए। तो मुझे लगता है कि जो आपका क्वेश्चन था, राष्ट्रवाद के नाम पे जो SP BSP सोच रहे थे वोट का ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर नहीं हुआ है, और OBC वोट, SC वोट या और जो वोट हैं वो सारे बीजेपी को गए हैं, मोदी के नाम पे गए हैं, राष्ट्रवाद के नाम पे गए हैं।